लेते हैं कि बिहार को जिस गलत हाथ में बिहार चला गया है उसकी बेड़ियां को कैसे हम लोगों को तोड़ना है, और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा, बहुत लोगों का हमने भाषण यहां सुनने का काम किया, बहुत लोगों ने बोला कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग के बीच में है। नहीं है ये जो शब्द है उसको निकाल देना होगा, लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के बीच में है और सबके अंदर है। वो महसूस करने की ताकत है, वो ईश्वरीय ताकत है, और उनकी जो विचारधारा है जन जन तक पहुंचाने का काम करना है, और 20 में कैसे पटकनिया देना है। जो आरएसएस और भाजपा जिस तरीके से डेरा दिन पे दिन मुजफ्फरपुर वाला, जो जिस तरीके से बच्चों की जो इतनी संख्या बढ़ चुकी, बच्चों की जो मौत हुई, और इसमें क्यों नहीं हमारे आदरणीय जो चाचा जी हैं वो क्यों नहीं इस्तीफा लेते हैं मंगल पांडे जी का। इस्तीफा लेना चाहिए, हम लोग लगातार हाउस में भी या विधान परिषद में भी श्रीमती रावी देवी जी, माता जी, पूर्वे जी और तमाम एमएलसी लोग, तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग भी, हमारे पूरे विधायक भी विधानसभा में लगातार हम लोग घेरने का काम करते हैं। और तो इन्हीं जो हमने जो बताने का काम किया है कि किस तरीके से हमको 20 में लड़ाई लड़ना है, हम लोग को पूरी तरीके से मुस्तैदी रहना होगा अपने अपने जिला में। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की यही सोच रही है कि गरीब आदमी को कैसे सोना का गद्दी मिले, किस तरीके से उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। जब जब हमने भाषण करने का काम किया तब तक ये आरएसएस वाला ऊपर से गुजरने का काम किया, देखिए जा रहा है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन का मुद्दा उठाना जो दिल में रहता है वही जुबान पे रहता है मेरे। और आप लोग पूरे तरीके से आदरणीय माता जी भी आपको संबोधित करने का काम करेंगी, अपना बात आप लोग तक पहुंचाने का काम करेंगी, आप लोग पहुंचाने का काम कीजिएगा। यहाँ जो महिला बैठी हुई है हमारे आवास पे भी आई थी, मुन्नी रजक है, मुन्नी रजक है बख्तियारपुर से, तो महिला आई थी, तो एक दिन अचानक से आई, हम घर से खिड़की से गेट पे हम देखे कि कौन महिला खड़ी है, फिर हम उतर करके गए वहाँ, तो हम इनको नहीं पहचाने थे उस समय में कि मुन्नी रजक है। फिर अपना इन्होंने बायोडेटा देने का काम किया, तो हमने बोला कि हम यहाँ हैं अभी, आप यहाँ आज मत आइए, यहाँ मत आइए आज के बाद से, हम इनको मना किए कि आज के बाद से यहाँ मत आइए। तो ये पूरा रोने लगी, तो मेरा मन जो है पिघल गया, हम बोले कि पार्टी का जा रहे हैं, हम मिलेंगे आपसे वहीं, आप हमसे मिलिएगा। तो हम देख लें कि किस तरीके से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को एक एक जनता, चाहे महिला हो बच्चा हो, किस तरीके से मानने का और सम्मान देने का काम करता है। क्योंकि आज जो हम लोग यहाँ पे स्टेज पे हैं या अपना भाषण दे रहे हैं, ये सब हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने महिला हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों की देन है। और हम यही कहना चाहते हैं कि आगे का जो लड़ाई है वो बहुत संघर्ष है, और खून का एक एक कतरा हम लोग को अभी बहुत सारा लोग आंदोलन करता है, बहुत तरीके का आंदोलन करता है। पिछला बार भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था मिलर हाई स्कूल में, तो हमने कहा था, और तेजस्वी जी भी मौजूद थे, कुछ काम में व्यस्त हैं तेजस्वी जी, तो इसलिए अर्जुन ने हमको कृष्ण को यहाँ भेजने का काम किया कि यशोदा माँ यहाँ है, तुमको जाना है वहाँ। तो जो लड़ाई है लड़ना है, संघर्ष
तरीके से विरोधी तरह तरह का बात बोलता है कि कृष्ण अर्जुन का जो जोड़ी है, कृष्ण अर्जुन का। और सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या व्हाट्सएप हो गया, उस पे भी जोड़ी को लेकर तरह तरह के लोग कार्टून बनाने का काम किया कि अब डाल नहीं गल रहा भाई, दोनों भाइयों में तो अलग हो गए हैं, तो फलना तो चिलना अलग हो गए हैं, धर के चीर देंगे। जो तेज और तेजस्वी आज जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में आएगा, उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलेगा श्री कृष्ण का। और आगे का लड़ाई, और आदरणीय हमारे पिताजी के मित्र तिवारी बाबा चाय पी रहे हैं, हम मुश्किल ले रहे हैं। पिछला बार भी इसी तरीके से भाषण हुआ था और बाबा ने हमको वहां मंच पर भी आशीर्वाद दिया था। हमेशा जब जब इस तरीके का भाषण होता है तो बाबा हमेशा मौजूद रहते हैं हमारे साथ। लोग तरह तरह का बात करता है कि लालू जी इनके वजह से जेल चले गए या तरह तरह का बात है, ये गलत बात है। इनके ऊपर जो सब लोग आरोप लगा रहा, एक दूसरे का आरोप लगा रहा, सुशील मोदी जी के ऊपर क्यों नहीं आरोप लगाता है सब, जो इतना शुरू से लग करके और आज तक जो जिस तरीके से उन लोगों ने, जो विरोधी लोग जो इस तरीके का हथकंडा जो अपनाने का काम किया और रात दिन लगा हुआ। अब पिताजी को डेट मिलने वाला था, वो भी सुन रहे कि खरीद कर रहा है, 12 तारीख हो रहा है, 18 तारीख हो रहा है। तो हम अपने पिता से और जितने यहाँ पे नौजवान हैं और जितने महिलाएं हैं, महिलाएं थोड़ा देखना चाहती है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं महिलाओं को देखने के लिए कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो हमको कैसे बढ़ाना, आज सामने आइएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूर्वे जी से हम अभी भी सबके बीच में हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महिलाओं को सबसे पहले आगे का जो पंक्ति है उसमें बैठाने का काम हो। तो इसलिए वहां पर बैरिकेडिंग लगता था, थोड़े ना पिताजी का सभा में बैरिकेडिंग लगता था, हमारा भी जब जब सभा हुआ बैरिकेडिंग को हटवा दिए हम, और सब लोग जुड़ करके और एक साथ, गरीब गुरबा का पार्टी है, कोनो अडानी और नरेंद्र मोदी विदेशिया का पार्टी है क्या, लालू जी का पार्टी है। और इसी बात पे और इसी अंदाज पे सब हमसे जलते हैं कि दूसरा लालू जादो, दूसरा लालू जादो सब है, आप लोग हैं, सब लोग हैं, एक उनका कॉपी करता। अरे हमारे पिता है, पूजनीय पिता है, भगवान है हमारे, जब हम पैदा होता हुए, हम आपको बताते हैं एक छोटा सा कहानी है। चिड़िया जब अंडा देती है ना, चिड़िया जब घोंसला में अंडा देती है तो एक एक दाना चुग करके पूरा घोंसला को तैयार करने का काम करती है, पूरा मेहनत करके। बड़ा बड़ा देखिएगा पेड़ों पे या ताड़ के पेड़ पे, अभी जहाँ आवास में हम रह रहे हैं वहां खिड़की में भी चिड़िया घोंसला बनाई हुई है, डेली उसको चावल हम रख देते हैं, पानी रख देते हैं गर्मी का समय। तो चिड़िया का जब बच्चा जब अंडा जब फूटता है तो सबसे पहले आँख किसके सामने खुलता है, माँ बाप के सामने खुलता है, माँ बाप के सामने आँख खुलता है। तो हमारी भगवान और हमारी गुरु भी हैं, हमको डांटती भी हैं तो हमको प्यार भी करती हैं। जिस तरीके से छड़ी लेके श्री कृष्ण भगवान को छड़ी लगा था और ओखली में बांधा गया था, तो उसी तरीके से सब लोगों को अपना जितने भी हैं, सब लोग हैं, सब बहने हैं, माँ हैं, सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, तो हम लोग को महिलाओं को ज्यादा फोकस करना है। और जो महिला अध्यक्ष हैं, आभा जी हैं, सब लोग को महिलाओं को जोड़े, पूरा जिला में अभी से संकल्प ले लीजिए, कल भी कार्यक्रम है, कल भी हम लोग संकल्प लेते हैं कि एक नया तरीके से बिहार बनाए, और बिहार को जब नया तरीके से बन जाए तो फीता किससे कटवाए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से। तो हम यही आज हम आप लोगों को बोल देना चाहते हैं कि बहुत लोग बहुत तरीके का आंदोलन करने का काम करता है। आदरणीय पिताजी भी जय प्रकाश मूवमेंट के उपज हैं, तमाम जो लीडर लोग हैं, फिर से रघुवंश जी हैं, फिर से तमाम लोग हैं,
पूर्वे जी हैं, तिवारी बाबा हैं, तमाम जितने लीडर जो है सब वही जेपी मूवमेंट के सब उपज तमाम लोग। तो हमने वहां भी जब वहां मिलर हाई स्कूल में भी कार्यक्रम हुआ था तो हमने कहा था कि एलपी मूवमेंट होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव मूवमेंट होना चाहिए, कि अभी पिताजी के विचारधारा को लेकर के कि किस तरीके से जेपी जी के विचारधारा को लेकर तमाम नेता सब एकजुट थे और उनके विचारधारा को फैलाने का काम हुआ था। उसी तरीके से यही समय है, 20 का यही समय है कि उनके विचारधारा को और किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर किया जेल में, झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल में बंद किया हुआ है, तो उनको उनके विचारधारा को आप लोगों को किस तरीके से जन जन तक और खासकर नौजवान इस बार पूरे तरीके से नौजवान होशियार हो जाए और मुस्तैद हो जाए, अब महिलाएं भी जितनी भी नौजवान है तमाम लोग मुस्तैद हो जाए कि किस तरीके से हमको इस बार जो तीनों विकेट होता है वो तीनों विकेट आप लोगों को गिराने का काम करना है। तो इस तरीके का भी कुछ होना चाहिए कि उनकी संघर्ष को हम लेकर के जनता के बीच में किस तरीके से लेकर के जाने का काम करें। तो यही चंद शब्दों के साथ, और भी नेता लोग हैं, और लोग कोई बोलना है, आप बोल नहीं है, आप नहीं बोले तो तमाम लोग को बोलने का काम करना है, सब लोग बोलना चाहते हैं, स्थापना दिवस है, सब लोगों जो जितना समय मिलता है बोलना, आपको हाउस भी जाना, आज हम हाउस में गए हैं, हाउस जाएंगे तब ना घेरेंगे सबको, तरह तरह का बात किया, मेरे भाई पे तन ही कसा, सब बीजेपी वाला हाउस में, अरे तो भाग गए, भगोड़ा हो गए, तई हो गए, जब भूल गए कि जब सदन में हमने उंगली उनको दिखाने का काम किया था, आप लोग सब लोग देखे थे किस तरह से कुल बुला के चुप हो गए थे उन लोग। तो हम लोग को हाउस में पूरे तरीके से तेजस्वी जी का जो मार्गदर्शन होता है और जो सब लोग नेता लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग को फॉलो करना है, और हाउस में भी उनकी बोलती और उनकी क्या उनकी हेकड़ी बंद कर देनी है हमें। तो इसी तरीके से चढ़े ना, तब पूरे बिहार का जितना जनता है, पूरा नौजवान है, पूरा एकजुट है। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय हिंद, जय भारत, जय नौजवान, जय युवा, जय छात्र, प्रणाम आप लोग, जय। बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप जी, आपने न सिर्फ अपने माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त किया बल्कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के प्रति भी आपने स्नेह व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व को में बिहार को आगे बढ़ाने का आह्वान हमारे नौजवान साथियों से किया है। आपने कहा कि पार्टी को हमेशा महिला के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, तो आपके इस सुभावना के साथ मैं श्रीमती आभा